नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन ब्लॉग ऑन व्हीलचेयर में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये बहुत बेहतरीन ब्लॉग है, हर ब्लॉग हमारा बेहतरीन ही होता है। तो बहुत दिनों बाद हम रेगुलर ब्लॉग बना रहे हैं। रेगुलर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं। तो ये अब लॉकडाउन खुल चुका है और सब अपने अपने कामों में लग चुके हैं। हम भी एक दो दिन में अपनी ही शॉप खोल लेंगे। और आज आपको दिखाते हैं कि गाइस दीशु पता नहीं क्यों रो रही है। आपको दिखाते हैं, आपने थंबनेल, आपने हमारा टाइटल देखा होगा, दीशु क्यों रो रही है। तो देखते हैं दीशु क्यों रो रही है। दीशु बताओ क्यों रो रहे हो आप। दीशु क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? क्यों दिखाओ, नीचे रख के दिखाओ, क्या हो गया? अच्छा अच्छा ये क्या हो गया? ये पता नहीं, ये मेरे को लग रहा है फ़ोन का ब्लड निकल गया। दीशु हंस गई। ये फ़ोन का ब्लड निकल गया लगता है। देखो सर, देखो गाइस, ये दीशु से फ़ोन पता नहीं मेरे से गिर गया था, किससे गिर गया था पता नहीं। और ये इसमें सबसे पहले ये चाचू से गिरा था, फिर 10-15 बार तो मुझसे गिर ही गया होगा। अच्छा, और जब कहीं भी रखा हूँ मन्नू आता है यूं गेर देता है, और उसे एक दिन पहले मन्नू ने गेरा था। अच्छा, ये बताया नहीं मुझे कि मन्नू ने गेरा था। तो गाइस इसको हम दिखा के लाए थे, ये कल दीक्षिका दिखा के लाई थी और उसने कहा था कि ये सही हो जाएगा। इसमें मेरा डाटा भी पड़ा हुआ क्योंकि ये फ़ोन मेरा था पहले, और ये इसमें डाटा भी पड़ा हुआ, मेरा काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। तो वो मैं निकाल लूँगा सारा, आधा तो निकाल लिया और आधा मेरे को निकालना है। तो वो सब निकाल के फिर हम इसको दे देंगे गाइस सही होने के लिए। इसमें जब हम कल हमने तो गाइस जब हम डाटा निकाल रहे थे इस मोबाइल में से, तो ना तब एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिली। तो मैं चाचू के साथ बैठ के देख रही थी, तो उसमें वीडियो में क्या था, सैमू इधर बैठा था, उसके साइड में इधर उसके पापा बैठे थे और इधर कोने में मैं बैठी थी। और उसमें एक अमेजिंग बात ये थी कि मेरे जो ये आगे के दो दांत हैं वो खाली थे, वो लगता है कि चूहा ले गया होगा, मतलब टूट गए थे क्योंकि दूध के दांत थे, अब मेरे पक्के दांत आ गए। और दीशु ऐसा ऐसा दिखा रही थी करके, कुछ पागलपंती सी। वो हम आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे और अगली वीडियो में दिखाएंगे उस वीडियो को हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे, किस तरीके से दीशु बोल रही थी, किस तरीके से कर रही थी। उसका टाइटल होगा दीशु की टूटी दो खिड़की, या दीशु के टूटे दरवाजा, या दीशु के टूटे दो दांत, ऐसे करके टाइटल होगा। दीशु के टूटे दो, दीशु का टूटा दरवाजा, क्योंकि एक कुछ भी करके ऐसा टाइटल होगा। तो वो आप समझ जाना कि वो वाली वीडियो है और उसको जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। मैंने वो वीडियो कम से कम 5 बार ही देखी होगी, बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, वो बड़ा अच्छा लगा और हंसी आई देख के। और गाइस उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखी कि जब मैं छोटी थी मैंने अपनी बचपन की फ़ोटो देखी और मेरी अम्मा कह रही है, देखा अम्मा इधर ही बैठी है। तो तब मैं अम्मा कह रही ऐसा लग रहा था कि तू कोई 6 महीने क्या कर रही हो। अचार बना दो। अचार कौन सा अचार? आम का अचार। तो गाइस ये आम का अचार हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आपको रेसिपी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा कि आपको रेसिपी देखनी है। नहीं नहीं, हम बनवा के दिखा देंगे, मम्मी से पूछ के पूरी वीडियो डालेंगे कि आम का अचार कैसे बनता है, और नींबू का अचार और मिर्च का अचार भी, सब तरीके के अचार किस तरीके से बनते हैं सारी मम्मी से पूछ के एक वीडियो बना के डाल देंगे। अगली वीडियो दीशु की आएगी, उससे अगली वीडियो ये अचार की आएगी। दो वीडियो पहले से तय हो गई। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी जाती हूँ? कहीं नहीं, यहीं पे तो थे, जहाँ बैठे हो वहीं तो थे। नहीं नहीं, मैं क्या कह रही थी, कह रही थी हाँ कि अम्मा कह रही थी कि मेरे को जब मैं पैदा हुई थी ऐसा लग रहा था कि मैं 6 महीने की हूँ। अच्छा, इतना मोटा मेरा मुँह था। हाँ। अभी जितना ही होगा शायद, और इतनी गप्पा सी मैं थी, और सब कहते थे कि देखो कोई चाइनीज आया। और जैसे मन्नू पैदा हुआ था, मन्नू के बाल पे तो मन्नू के टकले पे तो बाल ही नहीं थे, मेरे पे इतने बाल उगे हुए थे। अच्छा, बाल लेके पैदा हुए थे। अच्छा, उससे अगली अभी इसके बाद मेरी वीडियो होएगी, क्या फिर उसकी सब कुछ होगा उस वीडियो में, बेहतरीन वीडियो नहीं, उसमें मेरी वीडियो होएगी उसमें।
वीडियो भी होगी और वो चाइनीज वाली वो शेयर भी करेंगे, वो भी कर देंगे हम, सब कुछ शेयर करेंगे। और अगर कुछ और अमेजिंग मिला तो हम बताएंगे जरूर आपको। तो क्या आज भी कुछ खाली करना है, बहुत सामान पड़ा है उसमें, चाचू ने इतना भर रखा था। तो दीशु रोने की अब जरूरत नहीं है, हमारा फ़ोन सही हो जाएगा और अब रोना नहीं और इस फ़ोन से मजे करना, ठीक है। अब गाइस को क्या बोलना है? गाइस अब अभी बात थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। क्या बात तो थोड़ी देर में करेंगे, अभी कर देते हैं यार बाय। तो गाइस अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जाके, और उसके बाद बेल बटन को भी दबाना जरूरी है, और लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।